आलू पोहा पनीर कैटलेट्स बनाने के लिए मैंने एक कटोरी पोहा लिया है और दो उबले हुए आलुओं को मैंने ग्रेट कर लिया है और 150 ग्राम पनीर को भी ग्रेट कर लिया है और मैंने अदरक और लहसुन को भी ग्रेट कर लिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है और एक हरी मिर्च को काट लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और सबसे पहले हम पोहे को एक बड़े बाउल में डालेंगे और पोहे को हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पोहे में पानी डाल दिया है और हम इसे हाथ से इस तरह से मसल कर अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए लीजिए मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इस पोहे को 5 मिनट तक पानी में भिगो कर रखेंगे। देखिए इस तरह से, जिससे कि जो ये पोहा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और जो ये पानी होगा वो पोहा अच्छे से सोख लेगा। देखिए अब 5 मिनट के बाद जो पोहा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और फूल चुका है। देखिए देखिए हम पोहे को इस तरह से हाथ से मसल कर थोड़ा चेक करेंगे और अब हम पोहे को हाथ से अच्छे से मैश करेंगे और जो ये कटलेट्स हैं खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। लीजिए अब मैंने पोहे को अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम इस पोहे को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसी में जो हमने आलूओं को ग्रेट किया है उन्हें ऐड करेंगे और ग्रेट किया हुआ पनीर भी ऐड करेंगे और ग्रेट किया हुआ लहसुन और अदरक भी ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और कटा हुआ प्याज भी ऐड करेंगे और कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने मसाले ऐड करने हैं उन्हें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला भी ऐड किया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर भी ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये सारे मसाले और जो हमने पोहा पनीर और आलू डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। लीजिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लिया है और अब हम इसी डो में इसे बाइंड करने के लिए जो हमने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है उसे डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे जो ये डो है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। लीजिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो ये हमारा डो है वो भी अच्छे से बाइंड हो चुका है। और अब हम अपने हाथ को तेल से पहले ग्रीस करेंगे और इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और उसे इस तरह से राउंड करेंगे। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे और हम इन कटलेट्स को किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने इसे एक स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार किया है, देखिए। और ऐसे ही हम बाकी के बचे हुए डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर कटलेट्स बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हम इसे फिर से थोड़ा राउंड करेंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और साइडों से हम इसे इस तरह से सर्कल शेप बना देंगे। देखिए लीजिए मैंने इसे सर्कल शेप में बना लिया है। देखिए जो ये कटलेट्स हैं बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए अब हम इसे इस तरह से स्टिक शेप में भी बना सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो बच्चे बहुत ही शौक से और मज़े से खाते हैं। देखिए ऐसे ये जो स्नैक्स है बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना बहुत ही आसान है।
अगर आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपकी चाय का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। लीजिए, मैंने सारे डो में से इस तरह से कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए मैंने तेल पहले ही गर्म कर लिया है और हम इस तरह से उठाकर इसमें डाल देंगे। और इन्हें तलने के लिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, देखिए इस तरह से। और हम इन्हें साथ के साथ नहीं हिलाएंगे। इन कटलेट्स को हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा जो ये आलू पोहा और पनीर का कटलेट्स है बनकर तैयार होगा, जिसे खाने में आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। लीजिए, अब ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी के बचे हुए जो कटलेट्स हैं उन्हें भी तल लेंगे। देखिए, लीजिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारे ये जो कटलेट्स हैं बनकर तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अब हम इसे एक प्लेट में ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।